दिल्ली निगम चुनाव नजदीक है। एफए में तमाम पार्टी के प्रत्याशी जोर शोरों से अपने प्रचार करने में जुटे हुए हैं। एफए ही अलीपुर वार्ड 4 के अंतर्गत आने वाले भोरगढ़ और सहारपुर गांव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कुसुम बबलू कोहली ने घर घर जाकर वोट की अपील की। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों से कहा कि अपने आने वाली 4 तारीख को बहुजन समाज पार्टी को वोट दे, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। कुसुम ने बताया कि पिछले निगम पार्षद ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किए, यहाँ पर सफाई व्यवस्था हमेशा ठप रही। पूर्व निगम पार्षद लोगों की समस्याएं सुनने तक नहीं आई। उन्होंने केवल स्वर्ण जयंती पार्क व टॉर्जन कॉलोनी में वोट लेने के आए थे, लेकिन उसके बाद पिछले 5 साल से कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब की बार टॉर्जन कॉलोनी के लोगों ने अपना मन बनाया है कि इस बार हम अपने प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा करेंगे और उसके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, काम करने के लिए कोई नहीं आता। टार्जन कॉलोनी के लोगों ने बताया कि हमें उम्मीद है कि हमारी प्रत्याशी निगम चुनाव में जीत कर आती है तो यह हमारी तमाम समस्याएं पर ध्यान देंगी। बबलू गोली वार्ड नंबर 4 से, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, बहन जी ने आशीर्वाद दिया, बहन जी का आशीर्वाद पूरा काम रखेंगे हम। बाकी हमारे हमारे कॉलोनी में हमारे परिवार के लोग आए हैं, इन लोगों ने खड़ा करा, मुझे पूरी विजय हासिल करेंगे। मुद्दे का केजरीवाल जैसे नहीं कि फ्री की रेवड़ी किसी को बांट दूंगा मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। जो विकास करना, मुझे पैसे देकर टिकट नहीं मिली कहीं से, मुझे फ्री में लाया हूँ टिकट में, तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये देकर टिकट नहीं लाया कहीं से ही, मैं फ्री में ना विकास करूंगा पूरी कॉलोनी का सबका, जब जो मेरे क्षेत्र एरिया में है सबका विकास करूंगा मैं तो। बहन जी का आशीर्वाद दिया है और मेरे कॉलोनी वाले, ये मेरे परिवार है, कॉलोनी नहीं है, मेरे परिवार में घर को वे सब लोग, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा ही रहेगा। बबलू कोहली जी के बारे में पहले सबको आपको बताना चाहूँ, ये वो मौसमी मेंढक नहीं है जो केवल इलेक्शन के दौरान ही मतलब क्या कहते हैं कुएं से बाहर निकले। जब कोरोना काल में दूरियां ही दवा बनी हुई थी, तब इन्होंने दूरियां मिटाकर लोगों के पास जन जन लोगों तक पहुंचकर उनकी दिन रात सेवा की। ये वो नेता है जो हालात के बनाए हुए हैं और इनमें जो अपनापन लोगों ने देखा है, जो लोग चाहते हैं कि जो दो हिस्सों में वार्ड बट गया था, लोग सोचते थे झुग्गी वाले एक तरफ रहे और जो सोसाइटी है वो एक तरफ रहे, तो यहाँ के लोगों ने अपने बड़े भाई को इस रणभूमि में उतारा है जो अपने लोगों के लिए और सभी को अपना समझ के समाज कल्याण में सर्वोपरि समझते हुए संघर्ष करेंगे और समाज का जीवन स्तर उठाएंगे। जो लोगों को वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए थे लेकिन फिर उनके नाम पर कोई दौरा तक नहीं गया किसी राजनेता के द्वारा, इन्होंने अपने दम पर अपने पैसे लगाकर इलेक्शन से कई साल पहले वो अपने दम पे किए, ना इनकी सोच थी राजनीति में आने की, इनको तो वहाँ के लोगों ने अपना समझकर राजनीति में उतारा है कि ये दलदल में उतर के वहाँ की गंदगी को साफ करेंगे और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाएंगे। भारत माता की। वार्ड नंबर 4 अलीपुर, हम लोग काम पे भरोसा करते हैं, विश्वास। बसपा से जो भी जीता, शरद पवार को जीता, काम करके दिखाया, वो बसपा छोड़ के भाग गया, अब कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल, हम लोग काम करेंगे, जीतेंगे, दावे से कह रहे हैं, इनकी तरह ढकोसला नहीं पीटेंगे कि नाले बंद पड़े हैं, नालियां बंद पड़ी हैं, झोड़ हमें देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं डेंगू झोड़ों में, हम डेंगू नहीं ढूंढेंगे, काम करके दिखाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा है, भारत देश हमारा, जीत कर दिखाएंगे और जीतने को आए हैं। वार्ड 4 से कुसुम कोहली बबलू कोहली को जीता कर लाएंगे अच्छे वोटों से। आपने एक वोट जीते बीएसपी से, जो शरद चौहान है वो भी जीते थे, उन्होंने फिर पार्टी बदल दी। और क्या करेंगे, माल वहाँ खाने को नहीं मिल रहा था ना, काम करना पड़ रहा था। अच्छा, अब वहाँ जाके माल मिल रहा है, काम करना नहीं पड़ रहा, इसलिए चौहान जी ने बीएसपी पार्टी छोड़ी थी। और क्या, हम लोग खाने नहीं देंगे बीएसपी में, काम करवाए भाई, काम करे। अब तो दाब के माल खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। बीएसपी पार्टी से पहले एक मिशन है, एक मोमेंट है।